जब मैं पहली बार इनका डेमो देख लिया था, आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन आई सॉ माई वाटर दैट अराउंड 6.5 पीएच. आई रियली सरप्राइज्ड बाबा व्हाट आई एम ड्रिंकिंग. करेक्ट. इवन दो आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड कि बाबा मेरे यहाँ पे आरओ है, मैंने अच्छा क्वालिटी का लगाया था, अब तो पड़ा है बेचारा वैसी. बट मेरे हिसाब से आज के डेट में कंसिडरिंग हमारा पानी का पीएच लेवल, हमारा ओआरपी जो एंटीऑक्सीडेंट हम जिसको बोलेंगे प्रॉपर्टी, जो बहुत जरूरी है आज के डेट में, जो हमारा पानी के न्यूट्रिशंस से हमारे पास में आ रही है, इसका काम होता है कि आपके हर सेल्स तक न्यूट्रिशन को पहुंचा और बाहर निकालो, फ्लश कर दो. बट अब पानी इतना मोटा हो गया है, जब मैंने वहां पे देखा कि क्लस्टर साइज इसका, मतलब अपने नॉर्मल मेरे घर के टैप वाटर का आप जाओगे देखोगे तो टैप वाटर का क्लस्टर साइज कम से कम 20-25 का है. अब ये इतना ज्यादा पानी कहाँ पे हाइड्रेट कर पाएगा मुझे? प्लस मैं अब मेरा जॉब प्रोफाइल भी ऐसा है कि सुबह से लेकर शाम तक सुबह में गाड़ी में बैठो, एसी लगाओ, ऑफिस जाओ, ऑफिस जाके फिर से एसी में बैठो. तो एसी का भी इन्वायरमेंट इफ यू गो थोड़ा डीप आई दैट इज द एसिडिक वन, दैट एयर इज ऑल्सो एसिडिक, सो देयर इज अ फ्री रेडिकल. तो इसमें आज अगर मैं ये बोलूंगा कि भाई मैं अच्छा खाना खाऊंगा या फिर मैं ऑर्गेनिक खाऊंगा, ठीक है, पॉसिबल नहीं है. अच्छा लगता है कुछ दिन के लिए, अच्छा लगता है लेकिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर चीज तो मुझे मेरे पास आएगी नहीं ऑर्गेनिक. तो जब मैंने इस डेमो का लास्ट जो चरण देखा था, जिसमें आप कह सकते हो कि मेरे घर की सब्जियों से पेस्टिसाइड निकलते हुए मैंने देखा, यू कैन नॉट बिलीव. करेक्ट. यहां तक के उससे भी ज्यादा सरप्राइज में तब हुआ जब पोमग्रेनेट जो रहता है हमारा अनार का, हम कभी धो के नहीं खाते क्योंकि हमें पता है कि उसके ऊपर मोटा सा छिलका रहता है, उसके अंदर दाने रहते हैं, उसको क्या धोना है. करेक्ट. बट जब मैंने देखा कि उस पोमग्रेनेट के दाने निकालने के बाद जब वो पानी से धोए 11.5 पीएच के, तो उसमें ऐसा पीला पीला ऊपर आया. और जो मेरे यहाँ पे डेमो देने आया था वो बंदा बोले ये बच्चों को पिलाओ ना, बोले आपके. आई वाज सरप्राइज, आई फील बिट बैड अबाउट दैट, हाउ ही कैन टॉक लाइक दैट. बट व्हेन आई गो ऑन हिज इंटेंशन, व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल मी, दैट वाज द क्लिकिंग वन. यस. अब मैं कभी भी सोचता था कि यार मैं पानी पी लिया तो मेरे को एसिडिटी हो रही है, मैं फ्रूट्स खा रहा हूँ एसिडिटी हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड्स की वजह से, इससे नींद अच्छा हो रहा है, मतलब 5 घंटे में 6 घंटे 7 घंटे का काम 5 घंटे में कर रहा है, तो इट्स गुड. एंड उसके बाद में भी एनर्जी लेवल आपकी बहुत हाई है इससे, मतलब ये मुझे एक रियलाइज हुआ. सेकंड, मैं हर साल सिद्धिविनायक जाता हूँ, मतलब चल के जाता हूँ, आई एम स्टेइंग इन द मुंबई, सो इट टेक्स अराउंड 24 किलोमीटर. जब मैं आता हूँ तो शाम में मैं चलने के लायक नहीं रहता हूँ बिल्कुल भी. बट व्हेन आई मीन्स यूज दिस वाटर आफ्टर, मीन्स एट द टाइम ऑफ वॉकिंग ऑल्सो, बिकॉज आई कैरी अराउंड 2 लीटर्स ऑफ वाटर, एंड आफ्टर दैट आई ड्रिंक 9.5 पीएच वाटर, अराउंड 2 to 3 लीटर्स. You cannot believe, whole day I am, you know, you can say, मैं कहीं पर गया ही नहीं था. It's normal. जैसे हम थोड़ा सा चल के आते 5-7 किलोमीटर, तो उससे उसके जैसा फीलिंग मुझे आ रहा था. तो ये एक सबसे बड़ा मेरा अनुभव रहा, क्योंकि नॉर्मल तो ये तो ठीक है कि भाई मुझे अच्छा लग रहा है, एनर्जेटिक लग रहा है, या समटाइम्स पीपल आर टेलिंग नो कि बाबा ये मानसिक तौर पर ऐसे लगना चालू होता है. बट ये तो 24 किलोमीटर का सीन था, क्योंकि मुझे पता ये पहला तो था नहीं, क्योंकि मैं 100% होता था कि मुझे क्रोसिन लेना पड़ता था या एक्टिफाइड लेना पड़ता था, जो पानी से मुझे लेने की जरूरत नहीं पड़ी. अगर किसी को सच्ची में अगर देखना है ना, तो 24 किलोमीटर चले और ये पानी के साथ चले, गारंटी है दूसरा दिन खरीद लेगा. नोटिस हुआ कि मेरा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया. जहां पे मुझे 20 मिनट लगता था, आज मैं 5 मिनट वापस आ जाता हूँ. वो आपका जो फोम निकल रहा है वो भी केमिकल है, एरोमा है वो भी केमिकल है, तो हम कर क्या रहे सैनिटाइजर के नाम पे. तो इससे बेटर है ना अपना सादा पानी से 2.5 पीएच से पानी हाथ दो, काम खत्म. यू कैन इवन यू कैन सी इफ यू रियली हैव दैट क्वेरी नो यू कैन सी ऑन टेलीस्कोप ऑल्सो बिकॉज आई चेक. प्रीवियसली आई यूज टू गेट अप एट 1:30 नाइट और 2 o'clock बिकॉज ऑफ एसिडिटी. But even though I maintain myself very well, not like ki baba anything you can eat vada pav, not like that, but still I am eating my home also, and then I am getting acidity, there is a big problem. I need to, means people need to really think about that. Agar 10 saal ke bachche ko agar insulin lena pad raha hai to kuch to galat chal raha hai. So that is, this Kangen is a, I think, very right solution today. Hamare paas mein kya solution hai, aap hi mujhe bataiye ki jo hum hawa le rahe kya sahi le rahe. मुझे नहीं लगता सही ले रहे, क्योंकि आप पोल्यूशन अगर देखोगे, इतनी गाड़ियां चल रही है, तो 100% देर इज अ प्रॉब्लम. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका जो खाना खा रहे हो क्या वो सही है, पेस्टिसाइड आ रहा है, अब उसको कंट्रोल कैसे करें. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या आपके यहां पे पानी आ रहा है वो सही है, क्या आपका आरओ इसको ठीक कर पा रहा है. दिल्ली में तो बैन कर दिया है, क्यों बैन कर दिया है, क्या सोल्यूशन है हमारे पास. करेक्ट. तो इस कैंगन वाटर को ना मेरा वाइफ ने एक्चुअली मिशन की तरह लिया है.
to save the people. Because Indians have a problem. They're working on, you know, disaster. They are not working on preventive measures. This, you can say, is a preventive measure. हम जाते हैं, हमें पॉलिसी बहुत अच्छा लगता है, 1 करोड़ का चाहिए, ये चाहिए. बट प्रिवेंटिव क्या कर रहे हैं? हाँ, अच्छी बात, दैट इज अ प्रिवेंटिव, करेक्ट. बट काहे के लिए? आफ्टर, अभी क्या? अभी तो यही है. तो 100% अगर इतना इनोवेटिव और 42 to 45 years का अगर इसका हिस्ट्री है, तो समथिंग इज देयर दैट वी शुड बाय, करेक्ट. यस, बिट एक्सपेंसिव, बट इफ यू सी बाई आवर लाइफ क्या कि इसका कॉस्ट तो नहीं है. 1 करोड़ का हम लेते हैं, पॉलिसी भरते हैं हम लोग, इतना सारा इंटीरियर पे खर्चा करते हैं, तो गाड़ी पे खर्चा करते हैं, कुछ नहीं है. बट जब इसमें अगर तुम्हारा 2.5-3 लाख रुपए जा रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? करेक्ट, 5 रुपए पर डे का जा रहा है, उससे पूरी हेल्थ, मतलब तुम्हारी फैमिली की हेल्थ आप सिक्योर कर रहे हो, एटलीस्ट सिक्योर कर रहे हो कि नहीं, जब आपने देख लिया कि इससे काम हो रहा है, टेस्टिमोनी देखिए आप, तो वाई नॉट. तो ऐसे हुआ, तो अभी मेरा वाइफ ने उसको मिशन की तरह लिया है कि एटलीस्ट वी प्रिवेंट लाइफ. एटलीस्ट बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स तो छुड़वा देंगे हम लोग, ठीक है. चलो, पैसे की तो भगवान की कृपा ठीक ठाक है, तो आज के डेट में सब सही है. बट यस, सोसाइटी के लिए भी तो कुछ करना है, करेक्ट. तो सोसाइटी के लिए अगर हम देखेंगे, तो जखमा का इतना बड़ा ही अच्छा कोट मैंने देखा था कि जितना आप समाज के लिए काम करोगे, उतना ज्यादा कमाओगे. जो मैं अभी देख रहा हूँ मेरे वाइफ, शी इज वेरी हैप्पी. आई थिंक नेक्स्ट ईयर शी विल अर्न मोर देन मी. सो दैट इज द थिंग. सो एक्चुअली टेकिंग, बट इफ यू रियली आस्क मी पर्सनली अगेन, आई विल कम ऑन योर क्वेश्चन. I am not thinking as a business. I am still thinking as a mission to, you know, prevent the people from cancer. You know, बच्चों को डायबिटीज हो रहा है, 5-5 साल के, 10-10 साल के लिए बच्चों को अगर डायबिटीज हो रहा है, 5-5 इंजेक्शन, 2-2 इंजेक्शन उनको जा रही है. इसका मतलब क्या? कहीं तो हमें सही करना होगा. कौन सोचेगा? अब तो हम हर चीज तो बदल नहीं पाते, कम से कम अपने घर का पानी तो बदलो, 72% है, इतना तो हमें नॉलेज है. इतना जो हमारे, मतलब मुझे आप पूछोगे तो जो हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जो चीज है, वो खाली यही है कि मैं एटलीस्ट आज के दिन में अपना पानी सुधार सकता हूँ और इस पानी से सब्जी धो सकता हूँ. ग्रैंगन वाटर को अगर आप देखोगे, तो चाहे आज आप खरीदो ना खरीदो, करेक्ट, आपको एक दिन तो उसको खरीदना ही है. कोई ऑप्शन नहीं आपके पास. आरओ के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं था, इसके लिए भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. कीमो से बहुत सस्ता है. इफ यू रियली आस्क मी, कीमो से बहुत सस्ता है.